आज़ादी, इंडिपेंडेंस, क्या है ये आज़ादी? हम अंग्रेज़ों के शासनकाल में थे, अंग्रेज़ हमें छोड़कर चले गए और हम आज़ाद हो गए। ये हमने एक बाहरी शासन से फ्रीडम प्राप्त किया। बाहरी लोग जो हम पे शासन करते थे उनको हमने यहाँ से भगा दिया, लेकिन और बहुत सारे शासक हमारे ऊपर हैं। उस शासक से या उन शासकों से आज़ादी कैसे मिले? उसमें से एक शासक है मुद्रा, मनी, जो हमें बहुत परेशान करता है, रोज़ हमारे ऊपर डोमिनेट करता है। अगर हम इससे आज़ादी प्राप्त कर लें, यानी हमें मनी की टेंशन ना हो, तो हमें एक आज़ादी मिलती है। उस आज़ादी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, उस इंडिपेंडेंस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा, हम ऐसा क्या करें, क्यों करें और कैसे करें कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। पहली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये कहीं से मतलब नहीं होता कि आप अमीर हो जाए, बिकॉज अमीर और गरीब ये रिलेटिव टर्म है। अगर मैं अडानी को देखूं, अंबानी को देखूं, टाटा को देखूं, बिरला को देखूं, महिंद्रा को देखूं, तो उनका आपस में कंपटीशन है। और वो जब आपस में बैठते होंगे, एक दूसरे के अपने रिलेटिव्स के साथ बैठते होंगे, तो उनके मन में होता होगा मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं। यानी वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना, बच्चों को पढ़ाना, मेडिकल, इस सब चीज़ों से वो आज़ाद हैं, उनको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है। ग्रोथ आप जितना भी करें वो अनलिमिटेड है और वो हमें करना चाहिए। तो आज़ादी की जब मैं बात करता हूँ, कौन सी आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ, तो मैं ये कहीं से नहीं कहता कि आपको अर्निंग छोड़ देनी है या अब आपको अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस आज़ादी की बात आपसे कर रहा हूँ, वो आज़ादी है जब आपको रहना, खाना, कपड़े पहनना, बच्चों को पढ़ाना, रिलेटिव्स को मैनेज करना, आपकी बीमारियों को मैनेज करना, उन बीमारियों के इलाज को समय पे हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए आपको दिक्कत ना हो। अब इसको समझना है आपको, तो पहले दो चीज़ को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के दो प्रकार होते हैं, एक वो इन्फ्लेशन जो महंगाई के साथ साथ बढ़ता है, और दूसरा वो इन्फ्लेशन जो लाइफस्टाइल के साथ साथ बढ़ता है। मैं एक नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करता था, उसके बाद मैं एक स्मार्टफोन यूज करने लगा, मुझे सैमसंग का फ़ोन चाहिए, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए। इसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस इन्फ्लेशन को आप कभी बीट नहीं कर सकते, इस इन्फ्लेशन की कोई लिमिट नहीं है। मैं अपने बच्चे को बर्थडे पे ड्रेस गिफ्ट देता हूँ, टॉयज़ गिफ्ट देता हूँ, फ़ोन भी गिफ्ट दे सकता हूँ, लैपटॉप गिफ्ट दे सकता हूँ। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को बर्थडे पे आइलैंड गिफ्ट देते हैं, कुछ लोग मून पे प्लॉट गिफ्ट देते हैं, और कुछ लोग मार्स पे प्लॉट गिफ्ट देते हैं। तो उसको आप, इस इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर सकते, और इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। मैं जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ वो दूसरी तरह की है, जिसे हम महंगाई कहते हैं, कि आज मैं जिस लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ, आज जिस तरह के मकान में रह रहा हूँ, आज जिस तरह के गैजेट्स यूज कर रहा हूँ, आज जिस तरह के कपड़े पहन रहा हूँ, आज जिस तरह का खाना खा रहा हूँ, आज जिस तरह के स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जिस तरह की गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, ऐसे चीज़ों को फ्यूचर में मुझे यूज करना पड़े तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका प्रोविज़न अगर मैं लाइफ लॉन्ग के लिए कर लूँ तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ मुझे जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उतने पैसे या तो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, या ऐसा कोई सोर्स बन जाए कि हर महीने, हर साल मुझे उतने पैसे आते रहें कि मेरी करंट लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। बाकी उसके बाद भी, जैसे मैंने वो अपने लाइफ में कर लिया है कि मैं अपने करंट लाइफस्टाइल को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन कर सकता हूँ इन एनी सर्कमस्टांसेस।
बियॉन्ड दैट आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल. पहले मैं छुट्टियों में दादी के घर जाता था, शिमला मनाली जाता था. अब मैं उसके बाद फिर मैंने गोवा एंड अंडमान जाना शुरू किया, फिर मैंने सिंगापुर जाना शुरू किया, अब मैं यूरोप जाने के प्लान कर रहा हूँ. तो ये सब इनक्रीज़ है और जितना मैं आगे ग्रोथ करता जाऊँगा वो मैं करता रहूँगा. हो सकता है पैसे आए तो वो एक बस जी हैं वो तो पता नहीं अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो मैं वहाँ जाने का भी प्लान कर सकता हूँ इन कमिंग फ्यूचर. अब अगर आपको वो आज़ादी लेनी है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे आपकी करेंट लाइफस्टाइल मेंटेन हो, इसके लिए आपको अपनी अर्निंग और रिटर्न पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आज भारत के इंडिपेंडेंस डे के दिन पे आपको केवल एक संकल्प लेना है. संकल्प क्या लेना है कि आप फिजूल खर्ची को रोकेंगे, दूसरा जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे आप इमोशंस के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसे आप मैकेनिज्म के साथ इन्वेस्ट करेंगे. आपको घर पे खाना अच्छा नहीं लगता, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे एक सेफ से बनाया हुआ खाना जो आप खाते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं, आपकी फैमिली भी इंजॉय करती है. कभी आप नहीं सोचते कि मैं इस तरह के खाने को बनाना सीख लूँ और फिर मैं घर पे ही बनाना शुरू कर दूंगा. लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम किसी एडवाइज़र को नहीं सुनते, हम किसी एक्सपर्ट को नहीं सुनते. हमें लगता है हम ही सब सीख लें और हम अपना पिज्ज़ा खुद बनाएं और खुद खाएं. मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पिज्ज़ा सीख के, पिज्ज़ा बना के, पिज्ज़ा खाना आसान है और फाइनेंशियल डिसीजंस लेके उसे बना के उसे खाना मुश्किल है. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता. इसलिए आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे. जब भी मैं टर्म फाइनेंशियल एडवाइज़र की यूज़ करता हूँ तो वो कोई भी हो सकता है. वो आपके घर में आपके बड़े चाचा, दादा, मामा हो सकते हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, वो आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई भी आपका बड़ा भाई हो सकता है जिसे लाइफ की समझ, जिसको लाइफ की समझ है, वो आपको गाइड कर सकता है. इसके लिए मैं किसी ब्रोकर या एजेंट की बात नहीं करता जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बिकॉज वेन एवर दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट उनके मन में एक कंसेप्ट होता है कि मुझे अपने सेल टारगेट को बढ़ाना है, मुझे अपने टर्नओवर को बढ़ाना है, और इस टर्नओवर को बढ़ा के, सेल टारगेट को बढ़ा के मुझे अपनी कमीशन इनकम को इंक्रीज करना है. तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ. और मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप रेस्टोरेंट वाले को 10 रुपए के पिज़्ज़ा के बदले 12 रुपए देते हैं, वैसे 10 में पिज़्ज़ा आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आता हो, या 400 रुपए के पिज़्ज़ा के बदले, 400 रुपए के कंपोनेंट के बदले आप 500 देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज़ कि वो अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है. उसी तरह जब आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 1%, 0.5%, 2,000, 5,000, 10,000 के बारे में ना सोचें और अच्छे फेट फाइनेंशियल एडवाइज़र को उसके सर्विसेज के पैसे दें. आप कहें हम कमीशन नहीं दे रहे, हम आपको एडवाइस के पैसे दे रहे हैं, आप हमें राइट एडवाइस दें. नो डाउट, जैसे आपको अच्छे पिज़्ज़ा की दुकान ढूंढनी पड़ती है, वैसे ही आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना पड़ेगा. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने 2-3 काम कर लिए, एक आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छा ढूंढा, दूसरा अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया. एक्सपेंसेस को बार बार हम अपनी इनकम को बढ़ाने के दिमाग लगाते हैं, उसका आधा दिमाग हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने पे लगा दें और जो सेविंग हुई है उसको सही तरीके से, सही उद्देश्य से, सही जगह पे, सही टाइम पीरियड के लिए अगर आप लगा दें, आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लें. मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक सरकारी नौकर था,
सरकारी नौकरी करने वाला इंसान, मुझे समझ में आया सरकारी नौकरी से मेरा काम नहीं होगा, ये मुझे समझ में आया, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, मैं प्राइवेट सेक्टर में आया, मुझे थोड़ा मेहनत करना था, मुझे जल्दी फ्रीडम चाहिए था, मैंने उस मेहनत को किया, पैसे कमाए, मुझसे ज़्यादा लोग पैसे आज भी कमा रहे हैं और उस समय भी कमा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी सेविंग्स किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, शादी के शुरू के दिनों में हम बहुत ज़्यादा घर के फर्नीचर पे दिमाग नहीं लगाते थे, हमारा जो घर पे जो भी फर्नीचर था हम उसी पे करते थे। एक टाइम आया जब हमने अपना घर देखा, उस घर में जब हो गया कि अब यह हमारा घर है, हमें इसमें सेटल होना है, फिर हमने फर्नीचर के बारे में सोचा कि हमें कौन कौन से फर्नीचर इसमें कैसे डालने हैं जो अगले 10 साल 12 साल 15 साल के लिए रहे, अदरवाइज सिंपल एक सोफ़ा होना चाहिए, बेड होना चाहिए, जो भी नेसेसिटीज़ थी उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की। किसी और के घर में कैसा सोफ़ा है और मेरे घर में कैसा सोफ़ा है, इस पर कभी दिमाग लगाया ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शादी के 4 साल तक मेरे घर में नील कमल की प्लास्टिक की चेयर्स थी, वही मेरा सोफ़ा था, मेरे गेस्ट मेरे पास मिलने आते थे और वो उसी पे बैठते थे। अगर किसी को बुरा लगता होगा तो कहीं जाके कहता होगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, मुझे दूसरों के लिए नहीं जीना है, क्योंकि वो दूसरे मुझे कभी कुछ नहीं देंगे। और मैं किस किस से आगे निकलूँगा, मैं सबसे आगे निकल नहीं सकता, तो आगे निकलने के बारे में दिमाग ही क्यों लगा। आज मैं एक्स से आगे निकलने की सोच रहा हूँ, जब मैं एक्स से आगे निकल जाऊँगा तो मैं वाई से आगे निकलने की सोचूँगा, और मैं सबसे आगे नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैंने आपसे बताया, पहला चीज़ आप अपने सेविंग्स पे दिमाग लगाएं, यानी एक्सपेंसेस को मैनेज करें। दूसरा चीज़, उसको सही जगह इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल गाइड की हेल्प लें, डिसाइड कर लें। जैसे आपके घर में टूथपेस्ट का खर्चा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वॉशरूम का खर्चा होता है ना साल का, उससे कम में आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाता है, 1000 रुपये महीने 2000 रुपये महीने, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन 500 रुपये महीने में मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो। आप उसकी हेल्प लें और अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। केवल 12-13-14% का अगर आपको CAGR कंसिस्टेंटली 15 सालों के लिए मिल जाएगा, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड में अगर आपको 18% का CAGR मिल गया, 20 का मिल गया, 22 का मिल गया, और आपको लग रहा है कि आप तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, आपने एडवाइज़र से सारा कुछ लेके और आप अपने डायरेक्ट फंड में चले गए, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती आपके लिए हो सकती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए अगर आपको नॉलेज है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आपके अंदर वो पेशेंस है और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट फंड पे जाइए, आप करिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर आपको क्षणिक भी ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए, आप उसकी तलाश करें और उसको कहें, जब आपको कुछ गड़बड़ लगे तो बोलें, मुझे ये गड़बड़ लग रहा, वो आपको बताएगा कि ये सही है कि गलत है, और अकॉर्डिंगली आप उस पर ट्रस्ट करें। ऐसे किसी पर्सन से ना लें, बैंक के ब्रांच में जाके बैठे हुए किसी एग्जीक्यूटिव को अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र ना बनाएं, आप खुश रहेंगे। आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करें ऐसे आदमी को देखें जो लाइफ में सक्सेसफुल है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, क्लेम करता है कि मैंने ये किया है वो किया नहीं, आप उसके अचीवमेंट को देखें, और फिर आपको समझ में आएगा मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन होगा, वही आपका जीवन का गुरु हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं, हमारे रामचरितमानस में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, हर जगह लिखा गया है चीज़, कि आपके पास एक जीवन में गुरु होना, जीवन का गुरु हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उससे एडवाइस दें, उससे समझें, जानें और अपने इन्वेस्टमेंट को करें। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरा जीवन का एक ध्येय है
एक थे, आने वालों में से अगर मैं एक इंसान को पर डे मैं उसके जीवन में गाइड कर पाऊँ, सही चीज़ें बता पाऊँ, तो मेरा जीवन सफल है। इसीलिए मैंने किसी कंपनी की कोई एजेंसी नहीं दी, मैं केवल एडवाइजरी करता हूँ, एडवाइजरी के पैसे देता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं खुश हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए लोग खुश हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं आपको बहुत सारे सुने पाठे मिलेंगे। आपका काम है तलाश करना, ढूंढना पड़ेगा आपको उस एरिया में, जगह पे समझना पड़ेगा, उनसे 10-20 मीटिंग करनी पड़ेगी और इस काम को इम्पॉर्टेंट समझना पड़ेगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप अपने उस पैसे से कॉन्फिडेंस फील करेंगे, उसके बाद जीवन भर कमाइए ना। मैं आज भी कमा रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे है, फिर भी आज मैंने सुबह उठ के सेशन दिया है, शाम को 5 बजे मेरा फिर सेशन है, वो लाइव होगा जूम पे, आप भी जुड़िए, देखिए कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, कैसे लोगों को गाइड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं कहीं नहीं कहता कि आप किसी और के साथ जुड़े या मेरे साथ जुड़े, किसी के साथ जुड़े, बस डिसीजन लें अगले 15 सालों। गूगल मैप पे जब आप चलते हैं तो आप ये देखते हैं मैं यहाँ हूँ, मुझे वहाँ जाना है, और नीली लाइन को पकड़ लेते हैं। जहाँ आप इधर उधर के सोचने लगते हैं, आप नीली लाइन पे चलते जाते हैं, एक नीली लाइन अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ड्रॉ कर दी। आज कहाँ हैं, आज के 10 साल बाद कहाँ जाना है, और उसके बीच की नीली लाइन क्या है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको दिक्कत आएगी, कोई ना कोई कार अच्छी लगेगी, कोई ना कोई घर अच्छा लगेगा, कोई ना कोई कपड़े अच्छे लगेंगे, किसी न किसी की बेटी की शादी होगी, किसी न किसी के पड़ोसी की शादी होगी, जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल रूल मैंने बनाया अपने 20 साल के लाइफ में, पिछले जब मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त किया आज के 5 साल पहले, मेरी सैलरी जो आती थी या मेरी इनकम जो आती थी 30% तो चली गई जी, ये मेरी इनकम, वो मेरी है ही नहीं, वो तो मेरी है ही नहीं। अब 70% है, इसमें जो खाना है खा लो, जो पहनना है पहन लो, जो घूमना है घूम लो, और जो पड़ोसी की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, बहन के बच्चे की शादी है, मौसी के बेटे की शादी है, फूफा के बेटे की शादी है, घूमने जाना है, बच्चों को टॉयज खरीदना है, उसमें जो हो सकता है करो, 30% मेरा नहीं है, ये मेरा प्रण था और उसको मैंने फॉलो किया। सिंपल, ये मान के कि मेरी सैलरी 1 लाख नहीं 70,000, मेरी सैलरी 50,000 नहीं 35,000, बस इतना करना है, ये प्रण लीजिए, मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मैं साल में कम से कम 25 से 30 यानी महीने में 2-3 फ्री सेशन देता हूँ, खासकर टीचिंग कम्युनिटी के लिए। मैं टीचिंग कम्युनिटी को फाइनेंशियली फ्री जल्दी करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियली फ्री आसानी से हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक टीचर की हेल्प कर दी तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं कम से कम 1000 बच्चे की हेल्प करूँगा। हर साल वो 50 बच्चे तो कम से कम 40 बच्चे तो पढ़ाते हैं, और जब हर साल 40 बच्चे पढ़ाता है और वो 20 साल भी पढ़ा रहा है तो मेरा काम, मैं कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा? मैं एक एक इंसान तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन टीचर्स के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूं। इसीलिए मैंने अपना मीडियम या मैंने अपने ऑडियंस टीचर्स रखे हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ध्येय है, मेरे लाइफ का ध्येय। उसी तरह आपको भी हर चीज़ में अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे और फिर उसका रूट डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था, मेरा ऑब्जेक्टिव है, रूट मैंने थ्रू टीचर्स किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने रूट्स को डिफाइन करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताएं, मुझे कुछ चेंजेस करना है तो भी बताएं, मुझसे जुड़ना है तो भी बताएं, और इस इंडिपेंडेंस को और बेटर करें। कैसे? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके, तब आप देश के बारे में सोच पाएंगे, सोसाइटी के बारे में सोच पाएंगे, पड़ोसी के बारे में सोच पाएंगे, जब आप पैसों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। नमस्कार।
हैप्पी इंडिपेंडेंस, और एंजॉय करिए, परिवार को टाइम दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे थोड़े कम भी होंगे, काम हो जाएगा।